हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कुछ अच्छा बड़ा खास होने जा रहा है, और ऐसा क्या अच्छा होने जा रहा है जो आपको जानना जरूरी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या अच्छा अचानक बड़ा खास होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेवन ऑफ वैंड्स, देखो डेक हाथ में दी ना, मुझे जजमेंट का कार्ड दिखा और एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा। ठीक है, वो इस बात के बारे में कहते हैं कि, और ये सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर आपके पास आने वाली होती है, या किसी प्रकार का यू कह लो कि आपने एक इंतज़ार किया है। वैंड्स की एनर्जी जो होती है ना, एक जल्दबाजी के बारे में बात करती है कि आपको किसी बात को लेकर बहुत जल्दबाजी रही है, बट फिर भी आपने टारगेट को फिक्स रखा कि आज अगर किसी प्रकार की आपका इंतज़ार पूरा नहीं हो रहा है तो एक समय के बाद में आपका इंतज़ार पूरा होगा। क्योंकि जहाँ इंसान सच्चा होता है ना, वहाँ पर उन्हें अपनी सच्चाई पर और अपने कर्मों पर बिलीव होता है। तो आपके साथ यही हुआ। ये कार्ड क्या कहते हैं, और जैसे शफल करते टाइम भी जो कार्ड दिखे ना, उन सबको कनेक्ट करके एक बात कहती हूँ। आपको किसी के ब्लैक मैजिक का डर था, आपको बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर परेशानी थी कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कंटिन्यू में करते जा रहा है। मे भी हो सकता है आपने कईयों उपाय करे हैं, और मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी सारे हिस्से जो है वो प्रभावित हुए भी हैं। बार बार आपने टावर देखा है, बार बार आपने अपनी लाइफ को लेकर एक बुरा इमेज कह सकते हैं कि लोगों के सामने प्रदर्शित होती है ना, वैसी चीज़ें आपने देखी है कि कोई सम्मानीय इंसान का डिसरेस्पेक्ट होना, ये चीज़ें आपने देखी है, और ये बहुत करीबी से आपने प्रकार के बिहेवियर का सामना किया है। तो ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट करी, और आपको पता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के नाम आपके अंगुलियों पर है कि ये इंसान ब्लैक मैजिक करता है, वो इंसान ब्लैक मैजिक करता है। अरे आपको इंसान जब से समझने हुए हैं ना, तब से उन्हें इसी बात को लेकर खौफ कि लाइफ में कभी भी कोई खुशी आए, छोटे से स्तर पर भी कोई खुशी आए ना, वहाँ पर भी एक तो होड़ मचती है और दूसरा है ब्लैक मैजिक का होना। इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द में आप रह रहे हो, और यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा परेशान करें कि इन चीज़ों से कब बाहर आओगे आप, कब जजमेंट होगा आपके साथ। ये एनर्जी क्या कह रही पता है? जैसे मैं समझा रही थी ना, फिर से समझाऊँ। वैंड्स की एनर्जी कह रही है कि शीघ्रता किसी इंसान में कि एक पल भी इंतजार ना हो मालिक, है ना, नहीं होता मुझसे, मेरी तड़प इतनी ज़्यादा है कि मेरे साथ न्याय करो। सिचुएशन आपने देखी है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको जहाँ एक पल भी इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर आपको इंतज़ार करने के लिए कहाँ गया, और वो सब्र का फल अब आपको मिलने जा रहा है कि आपके साथ जजमेंट होना। जिन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है, या इतने साल आपके वेस्ट कर देना इस बात को लेकर आपके साथ बहुत बड़ा जजमेंट होना, डेफिनेटली होना गाइस, डेफिनेटली होना। आप खुद अपनी नज़रों से आपके साथ होते हुए जस्टिस को देखोगे। कहते ना कि बुरा करने वाला या स्पेशली ब्लैक मैजिक करने वाले की गत जो होती है ना, वो बहुत बुरे स्तर की होती है, दुनिया देखती है। इनको ऐसा लगा कि बिल्कुल इनके चाहे अनुसार चीज़ें हो रही है, इन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। देखो वक्त का कोई भरोसा नहीं है, पहले आप दुखी थे, आपके आंख में आंसू थे, अब आपके दुश्मनों के आंख में आंसू होंगे, जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया उन लोगों की आंखों में आंसू होंगे। समय का खेल है गाइस, सुइया कभी इधर तो कभी उधर होता है ना, घड़ी का सुइया होता है ना, वो एक ही नंबर पर टिका हुआ नहीं रहता। तो गलत फहमी में लोगों को रहना नहीं चाहिए कि आज दूसरों की लाइफ में तकलीफ पहुंचा कर वो खुश रह सकते हैं, या कभी सुइया उन पर जाएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस बात के बारे में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने आपको आपके लाइफ में टावर बनाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी, उन लोगों को कर्मा रिटर्न होगा। और ये आप अपनी नज़रों से देखोगे ना, केवल आप, लोग भी देखेंगे इन चीज़ों को। जैसे एक होता ना कि बैठे बैठे कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, आप पर
बहुत सारे झूठे आरोप लगे होंगे, बहुत गलत दुनिया ने आपको सोचा होगा, बहुत सारे लोगों से कहता ना कि रिश्ते नातों से भी दूर हुए होंगे आप, अपनों से भी, बहुत करीबी लोगों से भी दूर हुए होंगे, ये सब ब्लैक मैजिक के चलते, लोगों की बुरी नज़र के चलते, इन सब के चलते हुआ है। अभी का समय कैसा है? अभी का समय ऐसा है कि इन्हीं लोगों को ऐसा कर्मा रिटर्न होगा, बैठे बैठाए आपके साथ न्याय भी होगा, और आपको लेकर जो गलत लोगों में चर्चा गई है ना, उसको लेकर भी क्लैरिटी लोगों को मिलेगी। आप कुछ नहीं करोगे, आप बैठे हो अपने घर में और आपको सडन कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगी, ये देखो उनके साथ, या ये जो बुरे इंसान है ना उनके साथ क्या हो रहा है सॉरी कि उनके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है ना। आप ये सुनो कि आप खुद हैरान हो जाओगे, ये चीजें इस तरीके से, मतलब एक बात कहूँ, आपके साथ होता हुआ न्याय आप बहुत अच्छे से देखो कि केवल एक इंसान को लेकर नहीं है कि उन्होंने परेशान किया इस बात को लेकर, नहीं, बहुत सारे लोग चुन चुन कर देखना, आपको यही फील होगा कि वाकई में अभी का समय तो मेरे लिए न्याय का है, धीरे धीरे करके मेरे साथ न्याय हो रहे हैं, ये देखो क्या। ओके, टू ऑफ वैंड्स, ओके, वैंड्स की एनर्जी, जितने रवैया आ रहा आप में, जिद्दी रवैया आ रहा अरे एक बात है, किसी के मन में तो ये चीज है कि मालिक, मतलब अब सिचुएशन जो भी है ना, वो सामने से है, अब इसमें अगर फर्क लिखना, फर्क होना लिखा होगा तो मेरा भाग्य, और अगर इस सिचुएशन में मुझे आगे बढ़ना है तो मेरा भाग्य, है ना। मतलब एक होता है कोई इंसान अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिशें दी है, लेकिन फिर भी स्थिति ज्यों का त्यों है, जहां से शुरुआत करी वहीं पर आकर रुक गए। तो अभी आपके साथ क्या है, आप बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि खुद की लाइफ के प्रति सतर्क हो जाना, कि अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा चीजों ठीक होने का तो हो जाएगी, नहीं होना होगा तो वो जाने दो, मुझे अब क्या करना है, मुझे अब लाइफ में आके बढ़ना, मेरा ध्यान जो है ना ऐसी गलत स्थितियों पर जाकर ना, मुझे अपने समय की बर्बादी नहीं करना, ये थॉट आपके दिमाग में आ रहा, और उस वजह से आप खुद को लेकर एक एक्शन लेने को जा रहे हो गाइस, अपने करियर को लेकर सबसे पहले, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है, ये एट ऑफ सोर्ड्स पर हावी हो रही है कि बुरी नजर आपकी लाइफ से निकल रही है, ब्लैक मैजिक करने वालों को उनका कर्म रिटर्न हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके कैरियर में इजाफा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि जो बांधी हुई थी ना, वो अब मतलब कहते हैं ना आपको सपोर्ट करेगी, आपको कैरियर में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आप अपने बुद्धि का प्रभाव देख कर हैरान हो जाओगे कि मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है, खुद को शाबाशी दोगे कि वाकई में मालिक ने ब्लेसिंग देकर भेजी है, ब्लेसिंग देकर भेजा है। ही पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कितनी ग्रोथ पाओगे आप, देखना देखना आप गाइस। और जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, आपके बुरे हालातों में आपका साथ छोड़कर भागे हैं ना, उन लोगों को भी देखना कर्मा रिटर्न होगा, और वही लोग देखना किस प्रकार से आपसे हेल्प की उम्मीद करने के लिए आएंगे, और उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, ये बात पक्की है गाइस, देखना देखना आप। लेकिन आपके मन में ये नहीं, आप फर्गिवनेस रखोगे, फर्गिवनेस रखोगे। हाँ ये बात और है कि जो आपने लाइफ में चीजें भोग ली है ना, उस बात को लेकर एक आपके दिमाग में रहेगा कि इन लोगों पर वापस से ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन अगर हेल्प की आवश्यकता होगी तो आप अपनी तरफ से हेल्प भी दोगे, लेकिन एक वही डिस्टेंस को क्रिएट करते हुए, ये लोग अगर आपसे माफी मांगने की कोशिश भी करेंगे तो आप वो इंसान बन जाओगे कि इनकी माफी से कोई लेना देना वाली बात नहीं, बस एक इंसानियत है आप में, जो अगर ये नहीं कोई और भी होते ना तो भी आड़े आती है। तो एक इतना कहते हैं ना कि किसी इंसान से मतलब एक प्रैक्टिकल हो जाना बर्ताव में, एक वो ऑरा निर्मित करना कि कोई आपके साथ धोखा नहीं करे, अब किसी को वापस से मौका नहीं देना चाहते, ये बात पक्की है, ये बात है। आपके मन की गहराई में जितना गोताखोर बनकर ढूंढने की कोशिश करता है ना, गहरे से गहरे भाव निकलते, एक परत किसी और बात को लेकर है तो दूसरी परत किसी और बात को लेकर है, था मैं चीजें क्या है कि अब मुझे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना, अब मुझे किसी को चांस ही नहीं देना, ये आपके साथ चल रहा है। ओके, एस ऑफ वैंड्स, ओके, देखो नई शुरुआत के बारे में कहा जा रहा है, जैसा कहा ना जिस प्रकार की एनर्जी आपकी चल रही है ना, कि अब तो सहन नहीं करना, परिस्थितियों को बदलना है, वैंड्स की एनर्जी है ही जिद्दी प्रवृत्ति की,
जैसे एक होता है ना एम्परर की एनर्जी, बिल्कुल कुछ उससे मिलती जुलती होती है कि जिद करो और दुनिया बदलो, अगर चीजें ठीक होती है तो ठीक है, और नहीं होते तो मैं खुद में परिवर्तन करके आगे बढ़ूं, लेकिन आप कम से कम अपने समय की बर्बादी नहीं करो, मुझे जीना है, जितना भी समय बचा है मेरे पास मुझे जीना है, उस हिसाब के बारे में कहा जा रहा है। ये बात कह सकते हैं गाइस कि आप या तो कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, या करियर को लेकर किसी प्रकार का बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रहे हो। जैसे एक होता ना कि दो सिचुएशंस चल रही है, एक तो ये है कि जिसमें बुरे हालात है, जिसमें पूरे तरीके से आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, इसके अलावा आप किसी और चीज के बारे में ना सोचो, एक तो ये चीजें चल रही है। दूसरा आपका ध्यान जो है ना एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है कि ये परिस्थिति तो चलती रहेगी, लाइफ में कितनी बारी देख ली है, अब इस पैटर्न को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है तो लाइफ में कोई एक नया कदम उठाना पड़ेगा, और नया कदम उठाने का मतलब एक नया एक्शन लेना है या अपने करियर को लेकर सेफ्टी और सिक्योरिटी करनी है। अगर मैं ये चीज कर लूं तो मेरी लाइफ पर दुख कभी हावी नहीं होगा। ये आपके साथ आपके माइंड ने किसी स्थिति को बहुत बहुत बाद में समझा है, आपके इंट्यूशन ने आपको कई बार समझाने की कोशिश करी होगी, लेकिन अब जाकर आपको समझ में आया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और जो भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो ना बिल्कुल आपके कदम सही राह पर चल रहे हैं, जो आगे चलकर आपको आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में मदद करेंगे। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा आपके साथ, दिमाग में विचार आएगा मुझे ये काम करना है, उस काम को करने के लिए आप कोशिश करने की कोशिशें करोगे, आप एक्शन लोगे और वहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलते ही आपका वो काम की शुरुआत हो जाना, धीरे धीरे उस काम को लेकर आप और अपडेट होंगे, और समय के साथ साथ कहते हैं ना उसमें परिपूर्णता पा जाना। जैसे आपके लिए क्या है, कोई चीजें स्टार्टिंग में आपको घबराहट देती है कि नहीं होता मुझसे, एकदम नई नई चीजें मैं करूंगी कैसे, मैं करूंगा कैसे, और धीरे 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 करके ना आप इतना अच्छा सीख जाते हो कि उसी काम को आप यानी औरों को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हो, यानी टीचर वाली खूबी भी आप में है कि चीजों का अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके उन्हें आगे की तरफ और ज्ञान का विस्तार करना, ये भी आपके साथ है ना। समझदार इंसान होगा, ज्ञान भी बहुत है, लेकिन एक होता है ना ज्ञान होने के बाद में भी कोई इंसान शो ऑफ नहीं करता, अपने व्यवहार को बिल्कुल धरातल पर रखते हैं, आपने वही किया हमेशा से, और एक बहुत अच्छी बात आपके साथ यही है कि मालिक मालिक ने आपको खूबसूरती भी दी है, आपको बुद्धि भी दी है, और समय के साथ साथ ना आप में परिपक्वता आई है आपके व्यवहार को लेकर। जैसे एक होता है कि किसी इंसान के सामने खुद की गलतियां आती है ना कि भाई गलती ये आई है आपके सामने, आप क्या करते हो उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, दोबारा उसको नहीं दोहराते, खुद को पॉलिश करने की कोशिश करते हो, कोई भी आपको कुछ भी कहेगा ना धैर्य पूर्वक आप पूरी बात को अच्छे से सुनोगे, बहुत अच्छे श्रोता हो, इवन अगर कोई किसी इंसान को आप पसंद भी नहीं कर रहे लेकिन अगर वो भी कोई आपको बात कहेंगे ना तो आप बड़े धैर्य पूर्वक उनकी बात को सुनते हो, ये बहुत अच्छी खासियत है आपकी। और सबसे बड़ी बात, आपका ईगो कभी भी बीच में नहीं आता। हाँ स्वाभिमान की बात अलग है, वो आपकी लाइफ में सर्वोपरि है, उससे टकराव आपको बर्दाश्त ही नहीं है, आप हर कोई चीज को बर्दाश्त कर लोगे, इवन ये कहूँ ना कि आपने कहीं कहीं पर कुछ जगह पर स्वाभिमान को भी पीछे छोड़ दिया कि अगर चीजें सुधरती है ठीक होती है बार बार ये पैटर्न ना दोहराए तो उसके लिए स्वाभिमान भी साइड में, कभी कई बार स्वाभिमान के विरुद्ध जाकर भी आपने काफी सारे एक्शन लिए हैं, काफी सारी कोशिशें करी है लेकिन उनका फल जीरो में गया ना, तो अब जाकर ना सेल्फ रेस्पेक्ट उमड़ कर आई है कि अब मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्पेशली मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर। और अब आपके साथ क्या हो रहा है, आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं कैरियर को लेकर, और जैसा कहा ना आपको तो मदद भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी, देखना। सेवन ऑफ कप्स, अब आप तो भटकोगे ही नहीं क्योंकि आपके इंट्यूशन भी पता है आपको सही राह पर लेकर जाएगी, भले कितने ही ऑप्शन आए कितनी ही अपॉर्चुनिटीज आए, आपके लिए क्या बेहतर है ना वो आप कर जाओगे। आपका दिल दिमाग आत्मा बैलेंस में है, आपके इंट्यूशन का सपोर्ट आपको मिलना, आपका भाग्य का साथ आपको मिलना, ये समय इस प्रकार का है जहाँ पर रिकवरी करें तो नुकसान की संभावना ही नहीं है, नुकसान होने के लिए कोई एक स्पेस नहीं रखा जा रहा है, जैसे पहले की स्थिति ऐसी थी कि कितना भी प्रयास करो ना तब भी नुकसान हो जाना,
अब नहीं होगा। अभी एक चीज बहुत अच्छी क्या होगी पता है, छोटे स्तर पर समझाओ कि एक होता ना कि कोई सामान आप लेकर आओ तो वो अच्छे से नहीं आता, या हो सकता है कि उसको लेकर 2-3 बार आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, एक समय की बर्बादी। या पहले से आपको पता होता है कि मैं कोई सामान लेकर आती हूँ आता हूँ, एक बार में सही नहीं निकलता, मुझे 2-3 चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं। आपकी ये वाली समस्या जो है ना, प्लीज इसे समझने की कोशिश करना। मान लो कभी एक बार हो ना तो ये इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार हो तो इत्तेफाक हो सकता है। इस स्थिति को आपने बरसों से झेला है कि आपका मन खराब हुए बिना कोई चीज आपको प्राप्त ना हो, कोई सामान छोटे स्तर पर, कोई कपड़े भी खरीद कर लेकर आओ ना, वहां पर भी ऐसा होगा। साइज का इशू हो सकता है, कलर का हो सकता है, कपड़े की क्वालिटी का हो सकता है, या आपको पसंद ना आए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी करके आपका मन खराब होना, उसे रिटर्न करना या एक्सचेंज करना ऐसा। लेकिन अब इन चीजों में भी बदलाव बहुत छोटे स्तर पर समझाया है, इन चीजों में भी बदलाव, इन चीजों में भी आपका मन खुश रहे, एक ही बारी में काम का होना, आप किसी को सामने से कोई बात को, सामने वाला बंदा एक ही बारी में आपकी बात को समझे कि आपने क्या कहा, और जिस तरीके से आपने कहा उसी तरीके से वो समझे, आपको लेकर गलत चीज नहीं करना। और कहा ना, नुकसान वाली चीजें नहीं है। अब जो भी आप उपाय भी करोगे ना, अभी हो सकता है जैसे कि जैसे मैं कहती हूँ ना, कभी कभी सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, आप हनुमान चालीसा करो, आप ये करो वो करो, आपके दिमाग में आता होगा कि मैं हम इतने बरसों से कर रहे हैं तब भी कोई परिणाम देखने को मिला नहीं, अब क्या होगा, है ना। अब करने से क्या होगा, वही की वही चीजें वहां पर ही आकर ठहर जाती है। समय का भी खेल होता है गाइस, है ना, कि अभी का समय आपका ऐसा बना हुआ है जहां पर ये उपाय आप करते हो तो बिल्कुल आपकी लाइफ में आपको फर्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना जी। तो बस परिस्थितियां आपके फेवर की बन रही, मैं यही कहना चाहती हूँ, जहां पर लॉस आपको हो ना, जो लॉस हुए हैं उनकी रिकवरी हो जाए, आप खुश रहो, इन चीजों के बारे में कहा जा रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फैमिली को लेकर चीजें सुधर रही है गाइस, फैमिली को लेकर वातावरण अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि इन दिनों में रीडिंग में एक चीज आई है कि कुछ फैमिली के लोग ऐसे व्यवहार क्रिएट कर रहे हैं दूसरे लोगों के सामने या बाहरी लोगों के सामने कि घर परिवार के लोग कुछ भी नहीं है उनकी नज़रों में, जो भी है वो बाहर के लोग है। बाहरी लोगों के सामने अगर कोई आ, आ, फैमिली के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करे, इसका मतलब क्या, रिश्तों की मौत ही वहीं पर है, वहां पर आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है, वहां पर रिश्तों की कुछ संभालने की जरूरत कहाँ रहती है। ये ऐसी चीज है जहां पर रिश्ते सुधरते नहीं है, नहीं सुधरते, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी अपने तरीके से प्रयास करने की कोशिश कर लो, लेकिन आपका अगर कोई अपना बिल्कुल पराया बन जाए कि पराए लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, या बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश करे, आप पर कंट्रोल जमाने के लिए, आप पर किसी प्रकार की जबरदस्ती जमाने के लिए, ताकि आप कोई फैसले कि मैं हाँ करूँ, या किसी की जिद के सामने घुटने टेकूँ, इसके लिए बाहरी लोगों को आप पर हावी किया जाता है, एक सोच के आधार पर बंदी बनाने की साजिश, ये चीजें चल रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे कहा ना कि अब जाकर आपके मन में एक बात है सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर, सारी चीजें जाए साइड में, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे सबसे प्रिय है, एक तो ये थिंक आप में डेवलप हो रही है। दूसरा ये कि जो भी आपके अपनों ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया है ना, उनको कर्मा मिलना कि किन लोगों की वजह से, क्योंकि लोग सब देखते हैं कि अगर ये अपने फैमिली के नहीं है, अगर ब्लड रिलेशन के लोगों के नहीं है, अगर ये अपने खुद के रिश्तेदारों के नहीं है, तो किसी के भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप किसी भी इंसान का मूल्यांकन करो, चाहे कोई आपके दोस्त के रूप में है, चाहे कोई रिश्ता आपके लिए आता है किसी भी प्रकार से, सबसे पहले ये देखो कि फैमिली के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं। अगर कोई इंसान अपने फैमिली के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, और अपने स्वार्थ के लिए फैमिली के साथ बुरा नहीं करता है, उस इंसान से अच्छा कोई हो नहीं सकता। जो अपनी फैमिली के लिए इतना कर सकता है, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और अगर कोई इंसान अपने स्वार्थ के चलते फैमिली के साथ अन्याय करता है, तो उनके जैसा बुरा इंसान कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली के साथ कर सकता है, तो वो और लोगों के साथ भी कर सकता है।
यहाँ पर तालमेल दोनों का है ना, केवल किसी एक इंसान का है, साथ में फैमिली का भी है। फैमिली का भी बैकग्राउंड देखो कि फैमिली क्या हमेशा उनको परेशान करती है, यही है क्या, है ना? ये फैमिली ने उनका कभी सपोर्ट किया है या नहीं किया है, दोनों तरफ बात को देखो फिर फैसला लो। आपका फैसला कभी गलत जाएगा ही नहीं, अपने आप आपके सामने चीजें आ जाएंगी। अगर भी फैमिली सपोर्ट में रही है लेकिन फिर भी ये इंसान एक परिस्थिति में अपने स्वार्थ के चलते ऐसा बिहेवियर करता है, तब वो इंसान गलत है। और अगर फैमिली ने हमेशा से गलत करा है या बहुतों टाइम गलत ही करा है, तब वो इंसान सही है ना? वहां पर अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन मोस्टली तो यही है गाइस कि जो अपने अपने का नहीं है वो किसी का भी नहीं हो सकता। ओके, नाइट ऑफ कप्स। देखो सारे कार्ड ना नई शुरुआत के बारे में आ रहे हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि इंतजार को खत्म करने के बारे में, लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आने के बारे में, आपकी कोई इच्छा पूरी होने के बारे में। जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था वो भी बता रहा है। ये देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर तालमेल अच्छा होना, पर परिवर्तित रूप में का है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा है। मे भी हो सकता है पहले की सिचुएशन या अभी तक की सिचुएशन में जैसे आप हो ना, आप हालातों में हो ना, उस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर सुकून आपको ना मिले। आपके सुकून का तरीका जो होगा ना वो कुछ और होगा, कुछ और तरीके से आपके पर्सनल लाइफ में आपको खुशी देखने को मिलेगी। ऐसे पल बनेंगे जहां पर आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, है ना? यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और ये भी कार्ड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की कितनी मेहनत करी है और केवल वेटिंग एनर्जी आपकी लाइफ में चले। धैर्य रखो, सब्र करो, धैर्य रखो, सब्र करो। अरे थक गए मालिक धैर्य और सब्र से। अब ये शब्द भी सुनना पसंद नहीं आता है ना? यहाँ पर पता चला आपकी लाइफ देखो किस तरीके से कितना संघर्ष किया होगा आपने, सब बताया जा रहा है गाइस, सब समझ में आता है। लेकिन यहाँ मालिक क्या कहते हैं, क्या वो आपकी मेहनत जीतती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में? ओके, ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वैंड्स। ये देखो मतलब एक जैसा कहा ना जिद्दी रवैया, द एम्परर की एनर्जी वाली बात है। पावर में आना, अपने लाइफ में सब कुछ ठीक करके बताना, नेम फेम कमाना। आपके दिमाग में एक बात है गाइस कि लाइफ में अगर कोई ऐसी सक्सेस मिल गई ना कि जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, और आप जब अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाओगे ना तब आप लोगों को सतर्क करने की भी कोशिश करोगे कि कभी कभी लाइफ में अगर इस तरीके की बार बार सिचुएशन बनती है ना तो आप वहां पर संभलने की कोशिश करो। या आपने कितना दर्द झेला है ना उसका एक समरी कहते हैं ना, वो भी आप समझाने की कोशिश करोगे। अब ये नहीं कि आपको सैंपति गेन करनी है ना जी, ये नहीं, या ये नहीं कि आपको ये बताना है कि आपने इतना दुख झेला है, जब कहीं जाकर आपको आज सक्सेस मिली है या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आई है, आपको वो नहीं बताना है। जैसे एक कंकरीला रास्ता जो होता है कोई इंसान पार करके आते हैं ना, तब उनको पता होता है कि कहाँ पर किस तरीके से चोट मिल सकती है। आप उस चोट से बचाने के लिए आप लोगों को प्रेरित करने का काम करोगे, आप लोगों को समझाने का काम करोगे। आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट तो आएगा गाइस कि जहाँ पर प्रकृति आपको एक मौका देगी कि आपके मन में जो भाव है उथल फुथल है वो सबके सामने रख दो एक बार, कि आप सही हो गलत हो। और या तो कभी कहा ही नहीं आपने, खुद को प्रमाणित करने की कोशिश ही नहीं करी है। फिर से कह रही हूँ, समय आपकी सत्यता को प्रमाणित करेगा, लेकिन लाइफ एक मौका आपको ऐसा देगी, चाहे वो सक्सेस के रूप में हो चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, लाइफ आपको एक मौका देगी। जब बहुत सारे लोगों के बीच में आप होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे वे में, जहां पर आप अपनी जर्नी को अपने शब्दों में ऐसे व्यक्त करोगे सब शांत होकर सुनेंगे आपको। सच कह रही हूँ, एकदम खामोशी वाला माहौल है ना कि कोई गौर से सुने, बिल्कुल ऐसा होगा कि आप खड़े हो और अपनी बात कह रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो। तब दुनिया भी यही कहेगी कभी कुछ कहा ही नहीं और आज कहाँ है तो क्या कहा है। आपकी लाइफ लोगों के लिए दो तरीके के काम करती है, या तो अगर लोग तमाशा बनाना चाहे तो उनकी इच्छा, और अगर आपकी लाइफ से सबक लेना चाहे तो उनकी इच्छा। सच कह रही हूँ, आपकी लाइफ लोगों को ठोकर खाने से भी बचा रही है, और जो बुरे लोग हैं बुरा कर्म निर्मित करना चाहते हैं
तो उनके लिए तमाशा भी क्रिएट कर रही है, जाहिर सी बात है। अरे एक बात तो है गाइस, प्योर सोल हो आप सच में, सच में। और ये चीज़ ना काफ़ी सारे लोगों ने महसूस भी की है, प्योर सोल होती है ना उन्हें ही कुछ एनर्जी का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कुछ लोग होंगे आपके आसपास में आपकी एनर्जी का मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से, अगर आपकी वाणी फलती है ना तो जान कर इनडायरेक्ट वे में कोई ऐसे बात कर करके ना ऐसे बात करेंगे खुद के स्वार्थ के लिए कि वही बात आप वापस से रिपीट करो। ये चीज़ कोई इंसान है जो आपके साथ कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि मतलब आपकी एनर्जी से प्रभाव पड़ता है ना कि कुछ काम अच्छा हो जाना या कुछ होना, तो बार बार आपकी एनर्जी को मिसयूज़ करने की कोशिश करें। पता नहीं ये क्या क्या तरीका है, किसी इंसान का उलझा हुआ तरीका है ना, जानबूझकर आपके पास आकर खड़े होना या किसी प्रकार से ऐसा कोई आपकी एनर्जी को ना ख़राब करने की कोशिश में रहते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे इंसान को भी कर्मा रिटर्न होना गाइस, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी आपके काम आ रही है, आपके अच्छे काम के लिए, वो एक ब्लेसिंग के रूप में मालिक की दी हुई है ना, कि आप अच्छी जगह पर उसका इस्तेमाल करो, और मालिक की दी हुई ब्लेसिंग का, गिफ्ट का, अगर कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाने की कोशिश करे तो फिर मालिक छोड़ेंगे थोड़े ना। आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, आपको पहले से विजन आ जाता है या सपना आ जाता है या कुछ भी ऐसा फील हो जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, या अंग का फड़कना है ना, कोई साइन से आप समझ जाते हो कि लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है या क्या किसी बात को लेकर सतर्क किया जा रहा है। तो ये भी चीज़ें आपके साथ चल रही है। ओके नाइट ऑफ वैंड्स, ओके ये लो, सरेंडर कर लिया आपने, द हेरोफेंट, ओके ये बहुत प्रभावशाली कार्ड है। द हेरोफेंट का कार्ड है और डेथ रिबर्थ का कार्ड ना, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। द मैजिशियन, द चैरियट, द मैजिशियन का कार्ड भी है, फाइव ऑफ कप्स और द मैजिशियन, कहा ना ये मुझे दिखा था, द फूल की एनर्जी। अब देखो, अब समझो, अब समझो, खेल देखो क्या हो रहा है, कि गुरु कृपा आप पर बरस रही है और मालिक का सपोर्ट आपके लिए है, मालिक ने आपके लिए एक्शन लिया है। कैसे पता चलेगा कि क्या ऐसा हुआ है। द हेरोफेंट की एनर्जी कहती है अटके हुए कार्य को बनाना, अटके हुए मामलों को फिर से ठीक करना, एक गति देना। आपकी लाइफ में 100% है, चाहे आपकी एज कितनी भी हो गई है, 100% है कि आने वाले कुछ ही समय में आपकी लाइफ में का बहुत बड़ा काम बनेगा, शुभ काज बनेगा। अगर आपके खुद को लेकर है, चाहे ये आपके मैरिज को लेकर है, चाहे आपके काम काज को लेकर है, बरसों से चले आ रही रोक रुकावट को हटाकर आपके काम का बनना, आपकी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी आपको मिलना, बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी खुशी को आपको मिलना, जो स्थायित्व लिए हुए होगी, जो ताउम्र के लिए होगी। द हेरोफेंट का कार्ड यही कहता है गुरु कृपा जो बरसती है ना तब किसी इंसान के साथ न्याय होता है ना, उनकी इच्छाओं को लेकर न्याय होता है, उनके इंतज़ार को लेकर न्याय होता है, उनके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो इस बात को लेकर भी न्याय होता है। तो गुरु कृपा आपके लाइफ में बुरी चीज़ों का, जैसे ये है ना कि कुछ लोगों का मैंने बताया ना कि आपके एनर्जी का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं या आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा। गुरु कृपा होते ही सबसे पहले यही होता है कि बुरी एनर्जी को आपकी लाइफ से बाहर निकाला जाता है, जिससे आपकी हेल्थ पर फर्क ना पड़े, आपकी एनर्जी का दुरुपयोग ना हो। क्योंकि आपको अगर ये एनर्जी मिली है, आपको ये ब्लेसिंग मिली है, तो जाहिर सी बात है कुछ फेटेड है आपके साथ, चूजन वन हो सकते हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, या मालिक की कृपा से किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप पक्का हो, जिसकी वजह से आपको ये ब्लेसिंग दी गई कि आगे चलकर बेटा इसका अच्छा इस्तेमाल करना है। आप अपने लिए भी शायद उतना इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपका कहा हुआ और लोगों के लिए फलता भी होगा गाइस, आपके लिए भी फलेगा, नो डाउट, क्यों नहीं फलेगा। लेकिन एक होता है ना कि ब्लेसिंग का अच्छा इस्तेमाल करना, आप वो इंसानों में मिल बांट कर खाने वाले हैं, जैसे थोड़ा होगा ना थोड़े में भी सबको बांटना, बहुत मैंने कहा ना प्योर सोल होगा सच में। और ऐसे में अगर मालिक साथ ना दे वो कैसे हो सकता है। यहाँ पर डेथ और रिबर्थ का कार्ड आया है,
जो क्या कहता है, गुरु कृपा से आपकी लाइफ में कुछ चीजों का अंत होगा, अंत होगा ब्लैक मैजिक का और एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत किस बात को लेकर है? द फूल की एनर्जी कह रही है कि आपका मेहनत का फल आपको ला कर देना, आपकी आप हो सकता है कोई नए कार्य की शुरुआत करो, क्योंकि यहाँ तो पक्का है। गुरु कृपा होने का मतलब ही क्या है? गुरु कृपा होने का मतलब ही क्या है कि एक नए कार्य की शुरुआत करना है ना, जीवन में शुभता है उसके लिए, उसके लिए राह रास्ते ओपन करना, उसके लिए डोर ओपन करना, मतलब एक कहते हैं ना हार्ट चक्र को ओपन करना, जिससे आती हुई खुशी को आप एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। और साथ में क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है, ये कहता है बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान हो या अपनी मैरिज लाइफ को लेकर परेशान हो ना, तो वहां पर आपके जो भी परेशानी है वो परेशानी खत्म हो जाना है ना, आपके जो भी विवाद है ना उन विवादों का निपटारा हो जाना और मैरिज में बैलेंस आ जाना, एक नई शुरुआत हो जाना। आपके पार्टनर को अगर आपकी कदर नहीं थी तो वापस से कदर होना, आपको मान सम्मान देना, आपको प्रायोरिटी देना, इन सब के बारे में कहा जा रहा है। मालिक आपके लाइफ में ना कुछ जैसे कुछ कई बार रीडिंग में आया है कि कुछ चीज़ें मालिक ने आपके लिए छुपा कर रखी है, अनफोल्ड अब होगी। ये आपकी खुशी को लेकर है, ये आपकी कामना पूर्ति को लेकर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर भी ये भी कार्ड ये कहता है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस, क्योंकि हेरोवेंट का कार्ड यही कहता है कि पॉजिटिव चेंजेस आना, लाइफ में शुभता का आगमन हो जाना है ना, खुशियों का आगमन हो जाना, जहाँ पर मन ना एकदम खुश रहे, दुख का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो। सच में खुद की बहुत केयर करने वाले हो आप, खुद पर एक कहता ना प्यार उमड़ना किसी इंसान का, कि मैंने खुद को बहुत इग्नोर किया मालिक, लेकिन अब मैं सेल्फ रेस्पेक्ट करूँ। मैं ये नहीं कह रही स्वार्थी हो जाओगे आप, लेकिन खुद का वो वैल्यू देना, अपने भीतर जो विराजमान परमात्मा है ना उनको आदर करना, रेस्पेक्ट करना, इन चीज़ों के बारे में, भय हर प्रकार का खत्म हो रहा है आपका, इतना अपने साहस को खोजने की कोशिश कर रहे हो। देखो धीरे धीरे क्या होगा पता है, आप अगर चाहता है, एक कहता है ना प्लीज माफ करना, एक होता है ना कि किसी इंसान को ज्यादा बात करने की आदत हो सकता है कभी रही होगी आपकी, आपका समय ऐसा है कि आप धीरे धीरे करके ना बहुत कम बात करना पसंद करोगे, अपनी एनर्जी को ना एक तो सभी बेवजह की चीजों पर खर्च नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, इन चीजों की समझदारी, परिपक्वता आपको देखने को मिलेगी, आपके शब्दों में देखने को मिलेगी। गाइस लाइफ से अच्छा खासा सबक उठाया आपने, मालिक जो समझाना चाहते थे ना आपने बहुत अच्छे से, कहता ना टॉपर स्टूडेंट बिल्कुल कुछ वैसे आपने समझा है। ओके, लाइफ में जो कुछ भी चाहिए ना आपको मिराकल के साथ आपको मिलेगी, देखना है ना, क्योंकि आप बहुत प्रसिद्धि पाने वाले हो, बहुत विख्यात होने वाले हो, आपसे नाम से आपकी पहचान का बनना, इस वजह से आपका मन कठोर करके कुछ कठोर एक्शन आपसे लिए जा रहे हैं है ना, आपको ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है जहाँ पर आप एक्शन लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ अचीव भी करोगे। ओके, आपकी हर खुशी का ख्याल मालिक रख रहे हैं, तो आपको कभी भी, जैसे कहा ना फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, कि आती हुई खुशी को इग्नोर करना, वहां पर पीट करके बैठ जाना, उसकी तरफ फोकस ही नहीं करना, केवल दूसरी चिंताओं पर ध्यान जाना, ऐसा नहीं गाइस। आपके भाग्य में जो भी खुशी लिखी हुई है ना वो आपको मिलकर रहेगी, चाहे आप आनाकानी करो, चाहे आप डिनाई करने की कोशिश करो, लेकिन आपको मिलना लिखा हुआ है तो मिलकर ही रहेगी, ठीक है ना। ओके, ये एंजल ऑफ मेडिकल, ये तो आता ही आता है कार्ड, ठीक है। कंपटीशन, चीयर अप, बिल्कुल चीयर अप करने के लिए रेडी हो जाओ, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में, किसी प्रकार की शिकायतें आपको नहीं रहेगी आगे चलकर, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड आप मालिक को दोगे, देखना कि मालिक लाइफ में जस्टिस करने के लिए, मिरेकल करने के लिए, ये देखो ये बहुत बड़ा जस्टिस होगा गाइस आपके साथ, जो एक आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेगा, आपके डर को ख़त्म कर देगा, आपने जो जो चीज़ें खुशियों को मैनिफेस्ट किया उन सबको फलीभूत करके आपको ला कर देगा, ठीक है। और आप ग्रैटिट्यूड करते हुए नहीं थकोगे कि मालिक मैंने आपसे जो भी उम्मीदें करी है, जितनी भी प्रार्थनाएं करी है ना, उन सारी प्रार्थनाओं का फल मुझे मिला है, मैं
मेरी हर कामना मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छे स्तर पर जाकर पूरी हुई है, क्योंकि मिराकल भी देखोगे आप और मिरेकल होगा जस्टिस वाला। और हर एक मोमेंट को जीने की कोशिश करो कि मालिक मुझे हर एक मोमेंट को जीना और खुश रहना है ना जी। तो बिल्कुल जो भी परेशानी अभी भी चल रही है आपके लाइफ में, वो मालिक को सरेंडर कर दो। एक बात याद रखना कि ब्लैक मैजिक से आपको छुटकारा मिल रहा है, आपके साथ गलत करने वाले लोगों से आपको छुटकारा मिल रहा है। आपने जो सरेंडर किया ना, मालिक को पता है आपकी समस्या का समाधान कहाँ पर है। तो अब आप निश्चिंत होकर जीना और मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखना, खुद पर बिलीव रखना, ठीक है। जस्टिस होकर रहेगा, न्याय होकर रहेगा, मिराकल होकर रहेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।